हाय फ्रेंड्स, आप सब लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। और मैं आप सारे लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद आज मिला और बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है, हमारे मानसिकता क्या होता है। और हम ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसे सिर्फ बचा बचा के अमीर हुआ जा सकता है। पैसे हम जितना ज़्यादा बचा सकते हैं उतना ज़्यादा हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये साइकोलॉजी मनी ये नहीं कहता। मनी साइकोलॉजी ये कहता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर आप अपने डिसिप्लिन को आप बरकरार रख रहे हो और आपको एक ऐसे सिस्टम आप बिल्ड कर पा रहे हो अपने लिए जहाँ पे कि आपका मनी आपके लिए खुद अट्रैक्ट होके आ पा रहा है, तो आपके लाइफ में वो साइकोलॉजी ऑफ मनी काम कर रहा है। आपको बचाने की ज़रूरत नहीं है और पैसे बचा बचा के कोई आज तक अमीर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने आज तक ये सोच के बैठे हुए हैं कि पैसे बचा के ही हम अमीर हो सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा हम बना सकते हैं, तो वो सोच बहुत गलत है। हमें अपनी स्किल को ऐसे डेवलप करना चाहिए जहाँ पे कि हमारा पैसा खुद अट्रैक्ट हमारे तरफ होके आए और हमें पैसे के पीछे भागना ना पड़े और पैसे हमारे पीछे भागे। तो ये चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है और हमारे लाइफ का डिसिप्लिन, हमारे लाइफ में जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं, अगर वैसा सिस्टम हम एक बहुत फ्रिक्वेंटली अगर बोला जाए, हम अगर डिसिप्लिनरी होंगे और हम अगर पैसे को इज्जत देंगे और हम अगर पैसे के बारे में कुछ ऐसे गलत धारणा नहीं लाएंगे, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि पैसे कमाने के तरीके, जो लोग ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं वो लोग गलत तरीके से कमाते हैं। सिर्फ गलत तरीके से पैसे नहीं कमाया जाता, गलत तरीके से पैसा जितना जल्दी आता है उतना जल्दी जाता है। लेकिन आप अगर सही तरीके से अपने खुद के ऊपर काम किया, एक डिसिप्लिनरी इंसान बने और आपके लाइफ में आप एक सिस्टम को डेवलप किए जहाँ पे वो सिस्टम आपके लिए अगर ऑटोमेटिकली आपका मनी को अट्रैक्ट कर पाए, तो वही होता है साइकोलॉजी ऑफ मनी। आप इसमें अगर सहमत हो तो बिल्कुल आपके लाइफ में भी आप डिसिप्लिन हो जाओ और आपके लाइफ में भी मनी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और एक वीडियो के अंदर।